देखिए आपके पास मुश्किल से आप 2 से 3 दिन बचा है, और 2 से 3 दिन में अगर आप बायोलॉजी में बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, यानी कि आप 300+ स्कोर करना चाहते हो, अगर आपने अभी तक बहुत ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ा है, आपके नंबर बहुत कम आ रहे हैं, फिर भी आप 300+ स्कोर करना चाहते हैं, तो मैं गारंटी देता हूँ कि आप आराम से 300+ स्कोर कर सकते हैं। बहुत बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीका होता हूँ। लास्ट के कुछ दिनों में मैंने खुद ये चीज़ें अपने ऊपर अप्लाई करके बायोलॉजी में सिर्फ 340 मार्क्स लाया था, ठीक है। तो क्या क्या चीज़ें आपको करनी चाहिए जिससे आप आराम से 300+ अभी भी आप क्रॉस कर सकते हो। देखिए बिल्कुल सिंपल सी बात आपको बताऊंगा कि सिर्फ और सिर्फ आपको एनसीईआरटी पे फोकस करनी है। जितना ज़्यादा आप एनसीईआरटी पढ़ोगे उतने ज़्यादा आपके नंबर पड़ेंगे। बायोलॉजी का जो खेल है ना, बायोलॉजी के जो नंबर है ना, वो आपको सिर्फ एनसीईआरटी से ही मिलते हैं। मैं आपको बता दूं कि मैंने एनसीईआरटी के अलावा कुछ भी नहीं पढ़ा था, मैंने एक्स्ट्रा कोई लेक्चर्स भी नहीं देखे थे किसी टीचर के, फिर भी मेरे 340 मार्क आ गए थे, क्योंकि मुझे पता चल गया था कि जो नीट का पूरा पैटर्न होता है वो पूरा एनसीईआरटी बेस्ड होता है। बायोलॉजी में पूरे पूरे क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी के लाइन से आते हैं, तो आपको बस और बस एनसीईआरटी पढ़नी है। और फिर भी आपको अगर ज़्यादा लग रहा है, वैसे ज़्यादा नहीं है, आप कर सकते हो। अगर आप अच्छा 14-15 घंटे दिन में पढ़ते हो तो आप आराम से बायोलॉजी अभी भी कवर कर सकते हो अच्छे से। अगर फिर भी आपसे नहीं हो पा रहा है तो आपको सबसे पहले हाई वेटेज चैप्टर पर फोकस करना चाहिए, जैसे कि जेनेटिक्स हो गए, बायोटेक्नोलॉजी वाला यूनिट हो गया है, एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, ये जो यूनिट्स हो गया आपका, ह्यूमन फिजियोलॉजी हो गया, इन सभी यूनिट को आपको टारगेट करनी है। ये सभी हाई वेटेज चैप्टर है, ठीक है, इनको सबसे पहले आपको अच्छे से करना है। जितने भी हाई वेटेज चैप्टर है उनकी ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ, वो आप जाके देखिए, और सभी हाई वेटेज चैप्टर को अच्छे से एनसीईआरटी से पढ़ डालिए। एनसीईआरटी जैसे ही आप पढ़ के खत्म करते हो, उससे रिलेटेड आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर डालिए, देखिए आपका काम बन जाएगा, आप बहुत अच्छे स्कोर कर पाओगे नीट के एग्जाम में। तो बस सिंपल सी स्ट्रेटेजी आपको फॉलो करनी है, सारी डिस्ट्रेक्शन छोड़ देनी है। अभी तो आपको सारी चीज़ें छोड़ देनी है, यूट्यूब के अलावा आपको सारे जो सोशल मीडिया आप यूज़ करते हैं वो 2-3 दिन आपको छोड़ देनी है। सिर्फ और सिर्फ आपको एनसीईआरटी पर फोकस करना है अगर आप 300+ स्कोर करना चाहते हो। बिल्कुल रियलिटी प्लान बता रहा हूँ मैं, अगर आप ये चीज़ें कर लेते हो तो आप बायोलॉजी में बहुत अच्छे स्कोर कर पाओगे, और आके मुझे थैंक यू भी बोलो अगर आप दिल से फोकस होकर ये चीज़ करते हो। बाद में पछतावा करते हैं कि मैंने पहले पढ़ लिया होता, पहले पढ़ लिया होता, अभी भी टाइम है यार, 2-3 दिन अच्छे से पढ़ लो, 16-17 घंटे पढ़ लो, है कोई बहुत बड़ी बात नहीं है 2-3 दिन 16-17 घंटे पढ़ लो, तो आपके मार्क्स अच्छे आ जाएंगे, नंबर अच्छे आ जाएंगे। 2-3 दिन बचे हैं, सारी डिस्ट्रिक्ट हटा दो, अच्छे नंबर अगर ला लीजिए। सो थैंक यू सो मच, अगर चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि कोई भी नीट से रिलेटेड अपडेट रहता है तो मैं तुरंत ही इस चैनल पर अपलोड कर देता हूँ।